हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। इट्स क्लास 5, सब्जेक्ट टीवीएस, एंड टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 3। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। यस सर। चैप्टर नंबर 3। Choose the right answer first. What multiplies and grows in our body so that we grow taller and bigger? हमारी बॉडी में वो कौन सी चीज है जो मल्टीप्लाई होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिससे कि हमारा बॉडी धीरे धीरे बड़ी होती है, टॉल होती जाती है, बिग होती जाती है। ऑप्शंस ए सेल्स, बी नर्व्स, सी हेयर, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्स। सेकेंड, विच ऑफ दीज हेल्प अस टू टेस्ट, इनमें से क्या है जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए टंग, बी नोज, सी आई, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जाएगा ऑप्शन ए टंग। टंग हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, इनमें से कौन सा है जो सेंस ऑर्गन नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेन, ब्रेन, बी स्किन, सी आई, एंड डी नोज। राइट, ऑप्शन ए ब्रेन। क्वेश्चन 4, विच ऑफ दिस इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इनमें से कौन सा है जो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को सबसे कम इन्फ्लुएंस करता है, मतलब सबसे कम इस पे असर डालता है? तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट हैं। तो आप चाहे ऑप्शन सी लगाएंगे चाहे ऑप्शन डी लगाएंगे, बोथ आर राइट। क्योंकि एक्चुअल में हमारी जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस पे कितना कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो चूंकि इन तीनों में हम नेबर्स में सबसे कम कॉन्टेक्ट में होते हैं, इसलिए इसका असर हमारे ऊपर सबसे कम पड़ता है। 5, when interacting with people with disabilities we should not, जब भी कभी किसी डिसेबल पीपल से आप इंटरेक्ट करें, उससे मिलें, बात करें, तो उस वक्त नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए हेल्प देम, बी डिसरिस्पेक्ट देम, सी ट्रीट देम एज इक्वल्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी डिसरिस्पेक्ट देम। देखिए, सबसे ज्यादा किसी भी व्यक्ति को बुरा तभी लगता है जब उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, मतलब उसकी इंसल्ट की जाती है या उसके साथ बैड बिहेवियर किया जाता है। तो इसलिए हमेशा लोगों से रिस्पेक्ट के साथ ही बिहेव करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वी ग्रो टिल द एज ऑफ 19 और 20। हम लोग की बॉडी 19 और 20 ईयर्स तक ग्रो करती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जब तक आपकी बॉडी ग्रो करे तो हमेशा हेल्दी फूड का यूज करें, क्योंकि 19 टू 20 इयर्स तक हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है। इस समय तक हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जरूरत तो हमेशा होती है, लेकिन इस समय अगर सही से नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी नहीं करती है। सेकेंड, We express our feelings through words or facial expressions. हम लोग अपनी feelings को बताते हैं, समझाते हैं, express करते हैं अपने words और facial expressions से, मतलब बोल करके और अपने चेहरे को बना करके, मतलब वो चेहरे पे different type का हम show करते हैं अपनी feelings को, वो facial expressions है। जैसे जब इंसान ज्यादा गुस्से में होता है तो face बहुत tough हो जाता है और बहुत ही hard दिखने लगता है, आईज रेड कलर की हो जाती हैं। जब बहुत खुश होता है तो स्माइल करता है, सैड होता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। तो ये सब आपका फेशियल एक्सप्रेशन में आता है। थर्ड, द सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंफॉर्मेशन एंड पास देम ऑन टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन को चारों तरफ से रिसीव करते हैं और फिर उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं हमारे नर्व्स की मदद से। फोर्थ, Our likes and dislikes are influenced by our family, tradition, and cultural background.
हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स, ये हमारी फैमिली, हमारी ट्रेडिशन और कल्चरल बैकग्राउंड से इफेक्ट करती है। मतलब हमारी फैमिली में क्या क्या सिस्टम है, कैसे लोग रहते हैं, किसका कैसा बिहेवियर है, ट्रेडिशंस हमारे यहाँ किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, क्या क्या सिस्टम है, कल्चरल बैकग्राउंड हमारे यहाँ का कैसा पहनावा है, कैसा खान पान है, तो इन सारी चीजों पे हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स डिपेंड करती हैं। 5, पीपल हु आर ब्लाइंड कैन रीड यूजिंग ब्रेल। लोग जो ब्लाइंड हो, आंखों से देख नहीं सकते, वो लोग ब्रेल का यूज करते हैं पढ़ने के लिए। 1st क्राइंग, 1st का हो जाएगा डी, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। क्राइंग जो है वो एक्सप्रेशन का एक फॉर्म है, मतलब समझाने का कि मैं क्या चाहता हूं या मेरे मन में क्या चल रहा है। 2nd सेंस ऑर्गन्स, 2nd का हो जाएगा ई, 5। सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में 5 होते हैं। 3rd स्किन, 3rd का हो जाएगा बी, टच। स्किन जो है वो टच के थ्रू चीजों को समझता है, उसको फील करता है। 4 हेलेन केलर, 4 का हो जाएगा ए, हेल्प पीपल विथ डिसेबिलिटीज। हेलेन केलर ये उन लोगों की हेल्प करती थी जो डिसेबिलिटीज पीपल थे, जिनकी बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं करता था। 5 ब्रेल, 5 का सी, हेल्प्स ब्लाइंड पीपल टू रीड। ब्रेल वो सिस्टम है जिसकी मदद से ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं। ट्रू फॉल्स, 1st आवर फैमिली एंड कल्चर आर सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारा फैमिली और हमारा कल्चर, केवल यही दोनों हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स ये बहुत सारे लोगों पर निर्भर करती है। हम जितने लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, उन सब लोगों का हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स पर असर पड़ता है। 2nd वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपोजर। हम लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपोजर से बहुत कुछ सीखते हैं, तो 2nd हो जाएगा ट्रू। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है चीजों को देख करके सीखना, और एक्सपोजर का मतलब होता है जैसा मैंने सीखा वैसा बिहेव किया। जैसा हम बिहेव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं, ये एक्सपोजर। तो 2nd हो जाएगा ट्रू। 3rd पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन नेवर बी सक्सेसफुल। जिन लोगों में कोई डिसेबिलिटीज हो वो लोग लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो 3rd हो जाएगा फॉल्स। 4th पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव सम काइंड ऑफ वीकनेस। लोग जिनमें कोई डिसेबिलिटीज हो उनके अंदर किसी तरह की कमजोरी होती है, तो 4th सेंटेंस हो जाएगा ट्रू। 5 द गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटीज टू हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज। गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उन लोगों की हेल्प के लिए जो लोग डिसेबिलिटीज में आते हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो 5 सेंटेंस हो जाएगा ट्रू। तो स्टूडेंट्स आप ये एक्सरसाइज देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ओके, तो आपने एक्सरसाइज देख लिया, चलिए अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, Why do we grow taller and bigger with age? हम लोग उम्र के बढ़ने के साथ साथ लंबे और बड़े क्यों हो जाते हैं? Answer: We grow taller and bigger with age because the cells in our skin, bones
एंड मसल्स मल्टीप्लाई एंड ग्रो इन नंबर एवरी डे. हम लोग बड़े होने के साथ लंबे और बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो हमारी स्किन, बोन्स और मसल्स में वो बढ़ती जाती हैं प्रतिदिन. प्रतिदिन सेल्स बढ़ती जाती हैं तो इसलिए हमारी स्किन, बोन्स, मसल्स ये सब भी साइज में बढ़ने लगते हैं, इसलिए हमारी बॉडी भी बड़ी हो जाती है. सेकेंड, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, वो क्या चीज है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है. आंसर, अवर डिस्टिंक्ट क्वालिटीज मेक अस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. हमारी जो स्पेशल तरह की क्वालिटीज हैं वो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये दुनिया में हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है. कोई इंसान इस दुनिया में बिना क्वालिटी का नहीं है. इट इज द रूल ऑफ द नेचर दैट गिव्स अस अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिटीज एंड द पावर, बट द प्रॉब्लम इज मैक्सिमम पीपल आर अनेबल टू फाइंड इट. लेकिन ज्यादातर लोग अपनी काबिलियत और अपनी पावर को पहचान नहीं पाते, और इसका सबसे बड़ा रीजन है दे आर नॉट डूइंग देयर स्टडी प्रॉपरली. ठीक से शिक्षा ग्रहण न करना, यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग अपनी पावर को पहचान नहीं पाते. तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी जरूर होती है, लेकिन उसका पता तभी चलता है जब स्टडी प्रॉपर वे में किया जाए या खुद को समझा जाए. इसीलिए सबको हमेशा प्रॉपरली एजुकेट करने की कोशिश की जाती है. तो हमारी जो क्वालिटीज है वही हमें दूसरों से अलग बनाती है. थर्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स पर असर डालती हैं. आंसर, अवर फैमिली, अवर पीयर ग्रुप और ट्रेडिशंस, कल्चर आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स पर असर डालती हैं. फोर, हु आर पीपल विद डिसएबिलिटीज, पीपल विद डिसएबिलिटीज कौन है, किन लोगों को कहते हैं. आंसर, इन सम पीपल सर्टेन ऑर्गन्स मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली, दीज पीपल आर नोन एज पीपल विद डिसएबिलिटीज. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते, ऐसे ही लोगों को पीपल विद डिसएबिलिटीज कहते हैं. तो अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसके बॉडी का कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति पीपल विद डिसएबिलिटीज है. फाइव, हु वाज हेलेन केलर, हेलेन केलर कौन थी. आंसर, हेलेन केलर वाज ब्लाइंड, डीफ एंड म्यूट. डिस्पाइट ऑल दिस शी बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर एंड डिवोटेड हर लाइफ लुकिंग आफ्टर पीपल विद डिसएबिलिटीज. हेलेन केलर ये एक ब्लाइंड, डीफ और म्यूट थी, मतलब अंधी, गूंगी और बहरी, ये तीनों ही प्रॉब्लम इनके अंदर थी, तीनों ही तरह की डिसेबिलिटीज थी. लेकिन इसके बाद भी ये इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई में अच्छी रही और अपना जीवन इन्होंने, जिन लोगों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो पीपल ऑफ विद डिसेबिलिटीज थे, इन्होंने अपना जीवन उनकी सेवा में ही लगा दिया. तो स्टूडेंट्स, इट वॉज द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 3. आपका चैप्टर नंबर 3 का रिविजन कंप्लीट हो गया, तो अभी आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन? नो सर. नो सर. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास ओवर करते हैं, फिर कल तो हॉलीडे है, परसों से हम क्लास को फिर रेगुलर करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट. बाय बाय सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून.